वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मर्सिडीज A600 माइबैक एडिशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये जो गाड़ी है ये पुणे के डेक्कन व्हील्स के अंदर जो ये सेल के लिए अवेलेबल है, एज यू कैन सी। सो जो गाड़ी है वो मतलब काफ़ी लिमिटेड है। वैसे भी आपको पता है कि जो मर्सिडीज़ की माइबैक आती है वो बहुत लिमिटेड रहती है, और ये जो ये अराउंड सिर्फ 3-4 मॉडल है महाराष्ट्र के अंदर। सो इसकी आज हम बात करने वाले कि इस गाड़ी के अंदर जो क्या कुछ चीज़ें आती है, ज़्यादा भी डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज इस गाड़ी के अंदर जो बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मैं इसको जो ये शॉर्ट में जो निपटाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में जो है आपको एक माइबैक लुक वाली जो ये एक डिफरेंट ग्रिल मिलती है। देन हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें तो ड्यूल प्रोजेक्टर LEDs यहाँ पे जो दिए हैं, और नीचे जो है जैसे कि आप देख सकते हैं अगेन आपको जो ये क्रोम की थोड़ी सी जो ये लाइनिंग्स मिलती है। सो अगर हम इसको अनलॉक करें ना तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो ये टर्निंग इंडिकेटर्स है, उसी के साथ साथ उसी के नीचे इसकी जो DRLs भी है। माइबैक का आप यहाँ पे जो इसका लोगो देख सकते हैं, एंड यहाँ पे ये जो गाड़ी है जैसे कि 2017 की गाड़ी है तो आपको 2017 के जो इस क्लास के अंदर जो लुक्स मिलते थे वो टाइप के आपको जो लुक्स मिलते हैं। जैसे कि एक माइबैक 600 है तो इसके अंदर जो V12 इंजन आता है, जिसकी आप बैजिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अलॉयज़ की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी डिफरेंट है, जो कि आप टिपिकली कोई भी जो ये मर्सिडीज इस क्लास के अंदर देखते हैं। यहाँ पे आप जो टायर साइज़ भी देख सकते हैं, 19 इंचेस के व्हील्स है और 245/45 R19 इसकी जो ये टायर प्रोफाइल है। अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो यहाँ पे क्रोम प्लस ग्रे कलर का एक आपको फिनिश मिलता है इन व्हील्स के अंदर, और यहाँ पे ये है इसकी कुछ साइड लुक। वैसे इसकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 5.3 मीटर्स के आसपास है, जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगा। और माइबैक 600 की आप यहाँ पे जो बैजिंग देख सकते हैं, टेलुक्स आप देख सकते हैं, साइड में पिलर के ऊपर भी जो इसकी माइबैक की जो ये लोगो आती है, और यहाँ पे ये है कुछ इसके रेयर लुक्स। एंड अगेन यहाँ पे माइबैक की जो ये ब्रांडिंग, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। अगर हम बूट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ऑटोमेटिकली खुलने वाली इसके अंदर जो बूट मिलती है, और अगर आपको बंद भी करनी है ना तो आपको बस ये वाला जो बटन है वो दबा के रखना है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये कुछ फ्रिज जैसी चीज़ दिख रही है, तो इसको मैं जो आपको अंदर से दिखाऊंगा, तो इसको उससे पहले हम बंद कर देते हैं और चलते हैं इस कार के अंदर। और ये बहुत ही कमाल का अपना माइबैक के अगेन लोगो, मुझे पर्सनली इसके जो लुक्स है ना, मतलब मुझे ही नहीं बहुत सारे जो ये लोगों को इसके जो लुक्स है वो पसंद आते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो ग्रिल आती है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगेन अगर आप इसके डोर हैंडल्स में भी देखें ना तो यहाँ पे भी जो ये लाइट्स दी है, और इंटीरियर तो मतलब क्या ही बात करूँ मैं, इतना ज़्यादा प्रीमियम आपको इसके अंदर जो इंटीरियर मिलता है ना। यहाँ पे जो ये इसकी आप जो ये एक ब्रांडिंग देख सकते हैं, और जो स्पीकर्स का ब्रांड है वो भी आप यहाँ पे जो ये देख सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो किस तरह की है। सीट्स एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो ये मेमोरी 3 मेमोरी सीट के फंक्शन भी है, और यहाँ पे जो ये इसके जो सीट्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए आपको और भी जो कई सारे बटन्स मिलते हैं। बूट को जो है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, विंडोज़ के आप बटन्स यहाँ पे देख सकते हैं। और वाओ, इसका जो इंटीरियर है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। आपको जो यहाँ पे एक कम्प्लीट लाइनिंग मिलती है जो कि मैच करती है डोर पैनल से और डैशबोर्ड से। अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, यहाँ पे जो ये कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो दे रखा है, और यहाँ पे जैसे कि आप इसके जो लुक्स भी देख सकते हैं। एक बार मैं इस गाड़ी को जो स्टार्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरह से की लगानी है, बिकॉज 2017 की गाड़ी है, आपको पुश बटन स्टार्ट जो ये नहीं मिलता है, तो करोड़ों की अभी मैंने गिरा दी थी नीचे। सो ये है इस गाड़ी का कम्प्लीट डैशबोर्ड। एक बार मैं इसका ये जो डिस्प्ले है वो भी ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे जो ये एम्बिएंट लाइटिंग दे रखी है, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है उसके नीचे भी यहाँ पे जो ये एम्बिएंट लाइटिंग है, जिसका आप कलर भी चेंज कर पाओगे। यहाँ पे डोर्स के अंदर भी आप एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हैं, जो मतलब एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर जो चीज़ें चाहिए ना वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर जो ये एकदम ठूस ठूस के भरी है। सीट्स भी आप देख सकते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स है, सीट्स के ऊपर भी जो ये V12 की बैजिंग है, और ये जो टेक्स्चर है ना ये भी काफ़ी कमाल का है। देन अगेन यहाँ पे जो ये माइबैक की बैजिंग, उसका लोगो, और ये जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर आपको जो ये नॉर्मल बस फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह मिलती है, और यहाँ पे जो ये USB पोर्ट और ऐसे कुछ पोर्ट जो ये दे रखे हैं। ये जो डिस्प्ले है उसको एक बार हम जो ये ऑन कर देते हैं, तो उसको ऑन करने के लिए शायद से ये वाला बटन चाहिए। ओके, माइबैक। सो अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें ना तो ये जो डिस्प्ले है ये आपको टच डिस्प्ले नहीं मिलता है, एज़ ये जो गाड़ी है ये जो ये 2017 की गाड़ी है, बट यहाँ से आप इसको जो सिंपली ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, हाथ
आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे हाथ रखना है और आप सिंपली जो ये डिस्प्ले को ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये वाला जो मतलब फीचर है ना, ये काफ़ी पसंद है। बाकी तो यहाँ पे सीट्स वगैरह फोल्ड करने के लिए बटन, और यहाँ पे और भी कुछ जो ये मोड्स दे रखे हैं जो कि आप यहाँ पे जो ये देख भी सकते हैं। वॉल्यूम के लिए यहाँ पे जो ये टॉगल दे रखा है, और आप इसकी जो साउंड क्वालिटी भी सुन सकते हैं। जब भी इसके स्पीकर ऑन होते हैं ना, एक बार मैं इसको बंद करता हूँ और आप देखना, ये जो चीज़ है ना, ये घूम के जो ये अंदर बाहर जाती है। तो अभी मैंने बंद किया करके ये जो ये अंदर के साइड में निकल गई, इसको ट्विटर बोलते हैं वैसे। और जब भी मैं इसको ऑन करूँगा, ये जो ट्विटर जो है वो घूम के जो है बाहर आ जाएगा। और क्वालिटी की मतलब बात ही मत करना, आपको बहुत ही जो है तगड़ी क्वालिटी मिलती है। नेक्स्ट लेवल वाला आपको इसके अंदर जो साउंड मिलता है, बेस वगैरह आपको जो पॉइंट टू पॉइंट मिलता है, जो कि एक लग्जरी कार से जो एक्सपेक्टेड रहता है। और यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो एक एनालॉग क्लॉक भी देखने को मिलती है। और अगर हम फ्रंट के एसी वेंट्स की बात करें ना, तो सामने के साइड में जो ये 6 AC वेंट्स मिलते हैं। सो कूलिंग का भी इस गाड़ी के अंदर जो पूरा ध्यान रखा है। ऊपर के साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी शायद ये स्पीकर वाला ही सिस्टम है। तो एक बार मैं इसको जो फिर से ऑन कर देता हूँ, तो ये वाला नहीं घूम रहा है, ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है, बट ये भी ट्विटर जैसा ही है। और एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो ये सनरूफ भी जो है खोल के दिखाता हूँ, बिकॉज ये जो ये दो सेक्शन में खुलता है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेक्शन में खुला। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे एक पूरा ही ब्लू कलर का आपको जो शेड मिलता है, जो कि शायद से आप जो ये मतलब ब्लर भी कर पाओगे, आप इसको जो ये ट्रांसपेरेंट भी जो कर पाओगे, उसकी कुछ सेटिंग रहेगी, तो वो भी एक बार हम चेकआउट करेंगे। बाकी तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये एसी के ब्लोर्स के लिए कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं, एसी के जो मतलब स्पीड रहती है ब्लोर की, वो कंट्रोल करने के लिए। और यही कुछ इसका जो फ्रंट साइड में इंटीरियर है, जो कि बहुत ही कमाल का है। और कंडीशन की अगर हम बात करें ना, तो जो इस तरह की गाड़ी यूज़ करता है वो तो बहुत ही मतलब ध्यान से और अच्छे तरीके से यूज़ करता है, तो कंडीशन की कुछ मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 43,000 किलोमीटर जो गाड़ी चल चुकी है। और अगर हम बाहर चले तो यहाँ पे जो इसकी मेन चीज़ है, जो कि है इसकी रेयर सीट्स, तो ये इसका जो ये वाह बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है यार। मतलब लिटरली मैं यहाँ पे सो सकता हूँ, इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है यहाँ पे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे जो है सो भी सकता हूँ। और लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो भी बहुत तगड़ी है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं पूरे ही मेरे पैर जो है फैला सकता हूँ। और उसी के अलावा ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, इससे मैं ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, जो अंडर थाई सपोर्ट रहता है, उसको भी मैं जो है बढ़ा सकता हूँ। तो सोने के लिए यहाँ पे जो ये एकदम परफेक्ट माहौल जो ये होने वाला है। वाह मज़ा आ गया। सो ये जो चीज़ है ना, ये एक मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। बाकी तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माइबैक की अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग है। और यहाँ पे कुछ इसके कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप जो ग्लास भी होल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बिकॉज इस गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे एक फ्रिज भी आता है, रेफ्रिजरेटर भी आता है, तो इसके अंदर आप जो ये अपनी शैम्पेन वगैरह रख सकते हैं या पानी की बॉटल्स आप यहाँ पे जो रख सकते हैं ठंडी करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। वैसे ये शायद से यहाँ पे सीडी या कुछ डालना होगा। एंड यहाँ पे जो है ग्लास लगते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब ग्लास लगते हैं ना, वो आप यहाँ पे भी जो ये अटका सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉकिंग वाला सिस्टम मिलता है। सो और यहाँ पे भी बहुत मतलब हर जगह पे यहाँ पे जो माई बैग की जो ये लोगो दे रखे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इसका आर्मरेस्ट है पिछला, तो इसके अंदर भी अगर आप देखें ना, तो ये आपको एक ट्रे मिलता है, जो कि अगर आपको कुछ काम करना है ट्रैवल करते समय, तो आप इसको जो ये यूज कर सकते हैं। तो ये इतना खुलता है, अगर आपको गाड़ी के अंदर अपना काम करना है, लैपटॉप के ऊपर अगर आपको काम करना है, लंच करना है, तो आप यहाँ पे जो ये ज़रूर से वो चीज़ जो है कर सकते हैं। और इसको भी मैं एक नेक्स्ट लेवल चीज़ बोलूँगा। बाकी तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है ये। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तभी मुझे मतलब आया वो कैसे करना है वो। बाकी तो ये जो चीज़ है वो आप कुछ इस तरह से जो ये सॉफ्ट टच से जो ये बंद कर सकते हैं। और पिछले साइड में जो ये दो डिस्प्ले दे रखे हैं, तो ये अभी गाड़ी शायद से बंद है करके चालू नहीं हो गए, बट ऐसा वैसे इसके अंदर कुछ दिखाने जैसा भी नहीं है। तो अराउंड 10 inches के आपको यहाँ पे जो ये दोनों साइड में डिस्प्लेस मिलता है। ऊपर यहाँ पे जो ये अगेन वैनिटी मिरर्स विथ लाइट, जो कि लड़कियों को काफ़ी सारी लड़कियों को जो ये मेकअप करने के लिए काम में आते हैं। और बीच में अगेन जो ये एक स्पीकर, इसका जो साउंड सिस्टम है उसका एक जो ये स्पीकर दे रखा है। तो
जो पीछे बैठेगा उसके लिए भी जो ये बहुत मस्त वाला जो ये साउंड आने वाला है। और यहाँ पे पिछले डोर में भी जो सेम मैंने आपको ट्विटर्स दिखाए ना जो घूम के बाहर आते हैं, वो वाले ट्विटर्स आपको यहाँ पे भी मिलता है। उसी के साथ साथ अगर आप डोर के अंदर बटन्स देखें ना, तो चार बटन्स यहाँ पे डोर के अंदर दिए हैं। उसी के अलावा ये जो सीट्स है आप पूरी ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो चार बटन है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो बटन है सनब्लाइंड डाउन करने के लिए है, और भी आपको यहाँ पे जो ये कुछ बटन्स मिलते हैं जिसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप यहाँ से जो ये वाली विंडो प्लस आप वो वाली विंडो जो ये डाउन कर सकते हैं। तो ये मुझे एक फीचर पता है इसका, बाकी तो ये कुछ यहाँ पे इसका आपको जो ये रेयर कंपार्टमेंट मिलता है। चले गए डायरेक्टली इस गाड़ी के बाहर, और यहाँ पे आप पिछले साइड में भी जो ये माय बैक की जो ये बैजिंग देख सकते हैं। अगर हम डोर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर जो ये सॉफ्ट क्लोज डोर जो दिए हैं, तो बस आपको इतने लगाने हैं और ये डोर जो ये अपने आप से जो है पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो ये है इस गाड़ी का V12 इंजन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं स्क्रीन के ऊपर जो डाल दूंगा। और ये इतना ज़्यादा मैसिव है ना, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आपको इंजन जो यहाँ पे देखने को मिलता है, और ऊपर के साइड में इंसुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो ये दे रखी है, तो जो कि ऑफकोर्स वाली चीज़ है बिकॉज इस गाड़ी के अंदर जो ये बहुत ज़्यादा हीटिंग होने वाली है इंजन के अंदर। बाकी तो हम इसको जो बंद कर देते हैं, और बस यही कुछ था इस गाड़ी के बारे में। और भी मतलब कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा बिकॉज जो वीडियो है वो 20-25 मिनट का हो जाएगा। सो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस गाड़ी को देखना है तो आप पुणे के जो डेक्कन व्हील्स के अंदर आके जो विजिट कर सकते हैं। और इसकी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें ना, तो वो चीज़ जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर जो कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है। वैसे यहाँ पे और भी कई सारी कन्वर्टेबल कार्स है, तो अगर आपको एक कन्वर्टेबल लुक वाली जो है गाड़ी चाहिए जो कि मतलब सिटी ड्राइव के लिए जो है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बिकॉज अगर आप कुछ इस तरह की जो है कन्वर्टेबल कार्स के अंदर घूमते हैं ना, तो लोग आपके पास जो है मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं। सो ये भी एक चीज़ है। बाकी तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप जरूर से जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको आज का वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और मुझे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।